हरियाणा में हो रहे नगर निगम और मेयर चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन था। इसके बाद अब चुनाव में प्रचार तेज हो गया है। वहीं उम्मीदवारों को अब चुनाव चिन्ह भी अलॉट हो गए हैं। नाम वापस लेने और बीजेपी उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के साथ ही पानीपत में भी चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। अब ले देकर उम्मीदवारों के पास महज एक हफ्ता ही बचा है, यानी एक एक दिन कीमती। शनिवार को चुनाव चिन्ह लेकर लौटे उम्मीदवारों में खुशी थी, कई मायूस भी, क्योंकि यही तो मतदाता को वोट के लिए अपील करेगा, छाप छोड़ेगा। हम दोनों को छाते का निशान का चुनाव चिन्ह मिला है। जिस तरह छाता हमेशा हमें बारिश से धूप से रक्षा करता है, उसी तरह मैं अपने वार्ड की जनता की हम दोनों मिलकर बिल्कुल ऐसी सेवा करेंगे। प्लीज हमें वोट और सपोर्ट करें, प्लीज प्लीज प्लीज। वार्ड एक और पांच में एक साथ चुनाव लड़ रहे दंपति के चेहरे पर एक ही चुनाव चिन्ह मिलने की खुशी साफ झलक रही थी, तो किसी को उगता सूरज मिला उसने इसे उजाला और ऊर्जा देने वाला चुनाव चिन्ह बताया। वार्ड 20 में बीजेपी के बागी प्रत्याशी ने चुनाव चिन्ह मिलने के बाद रोड शो निकाला। जन समर्थन तो ये आप इनसे पूछिए, ये साथ है कि नहीं, ये आपको वक्त आने पे पता लगेगा कि कितने। आप हर एरिया में सर्वे कीजिए, हर बंदा परेशान है। उनकी चाहत सिर्फ परेशानी को दूर करना है, वो परेशानी की दूर करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। यानी अब एक हफ्ता रूठने मनाने, रणनीति नए सिरे से बनाने और मैनेज करने की कसरत चलेगी। पानीपत में बीजेपी कई जगह दबाव में है, कहीं भीतरघात की आशंका है तो कहीं कांग्रेस से कड़ी टक्कर की। इसलिए पानीपत में शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पहुंचे और एक आध दिन में सीएम के आने की भी चर्चा है। दरअसल कई जगह भीतरघात की आशंका और कांग्रेस के कसे हुए शिकंजे से बीजेपी दबाव में है। शायद इसलिए पार्टी के कई बड़े नेता अचानक सक्रिय हो गए हैं और डैमेज कंट्रोल हो रहा है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।